नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिजा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। तो खबरें अब तक में आज बात होगी सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई और दिल्ली की मुसीबत की, ममता बनर्जी के इस्तीफे के पीछे नए नाटक की, और यूपी में मायावती और अखिलेश यादव की टाइम पास सियासत की। इसके अलावा देश दुनिया में क्या हुआ कुछ खास वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सच हुई आईएमडी की भविष्यवाणी, दिल्ली में मूसलाधार बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून के वापस लौटने का समय भले ही नजदीक आ गया हो, लेकिन बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के साथ ही आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार रिमझिम बारिश हो रही थी। गुरुवार देर रात को तेज हवा के साथ बारिश हुई। इसके बाद शुक्रवार 13 सितंबर को दोपहर बाद दिल्ली एनसीआर के आसमान में काले घने बादल छा गए। शाम को रात जैसी फीलिंग आने लगी। इसके साथ ही जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। इससे देश की राजधानी के विभिन्न हिस्सों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। जेल से बाहर आकर हौसला 100 गुना बढ़ गया, तिहाड़ के बाहर से बोले केजरीवाल। केजरीवाल ने कहा कि मेरी जिंदगी का एक एक कण और शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पर भगवान ने मेरा साथ दिया है। मोदी गवर्नमेंट ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला, अब श्री विजयपुरम के नाम से होगी पहचान। अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अब श्री विजयापुरम के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयापुरम किए जाने की घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देश को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर आज हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयापुरम करने का निर्णय लिया है। पटना में अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर की हत्या। प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठने जा रहे थे, तभी बाइक से आए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। जान बचाने के लिए वह वापस प्रॉपर्टी डीलर वाले मार्केट में घुसने लगे, लेकिन अपराधियों ने खदेड़कर उन्हें गोली मार दी। उतार चढ़ाव के बाद बाजार फिसला, सेंसेक्स 71 अंक टूटा, निफ्टी 25,400 से नीचे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। पिछले सत्र में आई तेज उछाल के बाद बाजार में मुनाफा वसूली दिखी। एफएमसीजी और ऊर्जा सेक्टर के शेयर इस दौरान गिरावट के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 72 अंक या 0.09% गिरकर 82,890 पर बंद हुआ, जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 32 अंक या 0.13% गिरकर 25,356 पर बंद हुआ है। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। ये वीडियो आपको हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे। बीजेपी महिला विधायक की एक ऐसी वीडियो सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई राजनीति में ऐसा नशा होता है कि इंसान को सही और गलत का फर्क ना दिखे। लेकिन देखिए ये वीडियो। दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी में गुरुवार को चार सहकारी समितियां पर संचालक पद के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल भी था। इस दौरान श्रीनगर से भाजपा की महिला विधायक मंजू त्यागी भी मौके पर पहुंच गईं। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी थे। इसके बाद नामांकन को लेकर दोनों पक्षों के बीच हंगामा होने लगा। इस दौरान भाजपा महिला विधायक ने आरओ के हाथ से पर्चा छीन लिया, जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस से खूब धक्का मुक्की हुई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने सपाइयों पर लाठीचार्ज भी कर दिया। इसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई, लेकिन महिला विधायक के द्वारा प्रशासन को ताक पर रखकर इस तरह का काम करना सभी के लिए हैरानी की बात है। लोग पूछ रहे हैं कि दबंगई पर प्रहार करने वाले सीएम योगी अपनी ही विधायक पर कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी है, लेकिन उन पर पहले जैसी बंदिशें लागू रखी हैं। वो सीएम के तौर पर ना तो सचिवालय जा सकते हैं और ना ही कोई फैसला कर सकते हैं। दिल्ली बीजेपी जमानत वाला
सीएम कहकर उन पर हमला कर रही है। ऐसे में लोगों का मानना है कि दिल्ली में अभी भी राष्ट्रपति शासन की तलवार लटकी हुई है। बीजेपी के कई नेता यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। कानून के कुछ जानकार भी पहले घटनाओं का हवाला दे कर कह रहे हैं कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता को किसी काम में परेशानी ना आए। दिल्ली की जनता को एक सीएम की जरूरत है। मुख्यमंत्री के ना होने से दिल्ली के बहुत सारे काम प्रभावित होते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और के चुने जाने की राह साफ कर देनी चाहिए। इससे दिल्ली के लोगों को उनके काम करने वाला मुख्यमंत्री मिल सकेगा। बता दें कि सीबीआई उनकी जमानत का विरोध इसी तर्क पर कर रही थी कि वे मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यालय में जाकर दस्तावेजों में हेरफेर करा सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, लिहाजा कोर्ट को उनकी जमानत में इस तरह का आदेश देना पड़ा। अब वे मुख्यमंत्री जरूर हैं मगर किसी काम के नहीं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो किसी सरकारी दस्तावेज पर मुख्यमंत्री के तौर पर दस्तखत तक नहीं कर सकेंगे। सीबीआई की इस ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आरके सिंह के मुताबिक केजरीवाल विदेश यात्रा पर भी नहीं जा सकते हैं। देखा जाए तो केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार कर सकते हैं, इस पर कोई बंदिश नहीं है। जिस तरह से उनकी पार्टी हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसे देखते हुए उनकी पहली प्राथमिकता भी यही होगी। यहां वो पूरी ताकत से प्रचार में जुटेंगे, लेकिन बीजेपी की ओर से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की तलवार लटकी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया है अगली रिपोर्ट का और आगे बढ़ने का। पश्चिम बंगाल में 34 सालों के वाम मोर्चा के शासन के दौरान ममता बनर्जी ने लेफ्ट को कड़ी चुनौती दी और साल 2011 में लेफ्ट का शासन का खात्मा कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुई। लगभग 13 सालों के शासन में ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की कड़ी चुनौती मिली, लेकिन साल 2021 के विधानसभा चुनाव में फिर से तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनकर सत्ता में वापसी की। लड़ाकू नेता और आंदोलन से निकली नेता के रूप में जानी जाने वाली ममता बनर्जी कभी भी अपने विरोधियों के आगे नहीं झुकी हैं, लेकिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि वो खुद अपने इस्तीफे की पेशकश कर रही हैं। जी हाँ, डॉक्टरों के आंदोलन के सामने ममता बनर्जी झुक गई हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर का शव मिला था, उसके बाद बलात्कार हुआ था। एक महिला सीएम वाले राज्य में डॉक्टर के साथ ऐसा अपराध किसी को हजम नहीं हो रहा था। अब न्याय की मांग पर पूरे देश में आंदोलन जारी है। आरजीकर के जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में सेवाएं बाधित हो रही हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि इलाज के अभाव में 27 रोगियों की मौत हो चुकी है। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग न्याय नहीं चाहते, सत्ता की कुर्सी चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी की ये कोई रणनीति है या फिर वो वाकई दुखी है। तो जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी रणनीति के तहत ये काम कर रही हैं। कोलकाता रेप केस मामले में पहले ही ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर है और पूरे देश में ममता बनर्जी की सरकार की पोल खुल चुकी है और उनकी लगातार आलोचना भी हो रही है। ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार आंदोलनरत डॉक्टर्स के खिलाफ कठोर कदम उठाती है तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में ममता बनर्जी फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी कहानी बयां करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ही डॉक्टरों के आंदोलन को लेकर कदम उठाने की फरियाद करेगी। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही डॉक्टरों के आंदोलन को बंद करने का आदेश दे चुकी है, लेकिन डॉक्टरों ने नहीं सुना। यानी कि देखा जाए तो ममता बनर्जी इस्तीफा देने का बस नाटक कर रही हैं। वो राजनीति की मंझी हुई खिलाड़ी हैं, उनको पता है कब कौन सा तीर कहां चलाना है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। यूपी में बसपा की ओर से जारी की गई बुकलेट में साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन टूटने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराने के आरोप के बाद वार पलटवार का सिलसिला नहीं थम रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को बसपा पर ही उनका फोन नहीं उठाने का आरोप लगाकर कहा था कि किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूटने वाला है। इस पर शुक्रवार को बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, इतने साल बाद सपा प्रमुख की ओर से दी गई सफाई कितनी उचित और विश्वसनीय है। दरअसल बसपा की ओर से 59 पेज की एक बुकलेट कार्यकर्ताओं को बांटी गई है।
इस बुकलेट में कहा गया है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती और कई नेताओं का फोन उठाना बंद कर दिया था। इसका जवाब शुक्रवार को जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से आया तो उन्होंने बसपा मायावती का नाम लिए बिना उन पर ही फोन न उठाने का आरोप लगा दिया। अब इसी बात को लेकर यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। देखा जाए तो एक तरफ यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं जानकारों का मानना है कि शायद मुद्दों की कमी की वजह से पुराने मुद्दों को जोड़कर यूपी में राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा आज देश दुनिया में क्या हुआ खास वो भी हम आपको बता देते हैं। आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि दलित समुदाय और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राहुल गांधी के आरक्षण संबंधी बयान के खिलाफ देशव्यापी जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी, जिसके बाद सियासत में बवाल हुआ। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहयोगी लॉरा लूमर ने उपराष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस पर तंज कसा है। लूमर ने कमला हैरिस की भारतीय विरासत का मजाक उड़ाते हुए कहा अगर वो राष्ट्रपति बन गई तो व्हाइट हाउस में सब्जी जैसी गंध आएगी। अब इसके अलावा आज देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की चुनिंदा यूनिटों में तैनात जवानों के लिए खुशखबरी आई है। जिस जगह पर ये यूनिट बटालियन या दफ्तर है उस स्थान को अब एक्स और वाई श्रेणी वाले शहरों में अपग्रेड कर दिया गया है। इसके चलते जवानों को इन शहरों की श्रेणी के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। कुछ जगहों के लिए शहरों का अपग्रेडेशन कई वर्ष पूर्व से किया गया है। इसके लिए जवानों को एरियर भी दिया जाएगा। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष बुरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। आज उनके घर से ईडी की जांच में कई मनी लॉन्ड्रिंग मामले के कई सनसनीखेज दस्तावेज हाथ लगे हैं। पहले से ही गिरफ्तार आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल के ठिकानों पर ईडी और सीबीआई दोनों जांच एजेंसी छापेमारी कर रही है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दें इजाजत। मणिपुर एक बार फिर जल रहा है मगर किसी को कानो कान कोई खबर नहीं है। इसलिए विपक्षी कांग्रेस को ही नहीं देश और समाज की चिंता करने वाले हर नागरिक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मणिपुर से मुंह फेर लेने की आलोचना करने का अधिकार है। ये खास स्थिति अब फिर से इसलिए भी आ गई है कि प्रधानमंत्री तो दुनिया भर में घूमकर रूस यूक्रेन लड़ाई रुकवाने की पहल जैसे कार्यक्रम चलाने का दावा करते हैं और 16 महीने से आंतरिक हिंसा से जूझ रहा मणिपुर एक बार फिर से भभक उठा है। हिंसा और मौत का तांडव तो चल रहा है। पहली बार राजभवन और मुख्यमंत्री निवास की रखवाली भी मुश्किल होने लगी है और तो और बच्चे तो खुलकर आंदोलन पर उतरे हैं। उनकी आड़ में बम और रॉकेट वाले आतंकी इरादों के लोग भी आ गए हैं और राजभवन पर भी निशाना साधा जाने लगा है। मुख्यमंत्री अपने यहाँ तैनात एजेंसियों की कमान अपने हाथ में मांग रहे हैं तो सरकार के लोग सुरक्षा की मांग करने लगे हैं। मगर सवाल वही है आखिर मणिपुर ही क्यों और क्यों पीएम मोदी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पीएम मोदी की कार्यशैली ऐसी बन गई है कि वो कुछ चीजों की जिद पाल लेते हैं और कुछ चीजों से मुंह फेर लेते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि मणिपुर कानून व्यवस्था भर का मसला ही नहीं है बल्कि देश को बचाने का मुद्दा है जिस पर सवाल को संज्ञान में लेना चाहिए। जिंदगी में सफलता अक्सर छोटे फैसलों से ही मिलती है। इसी के साथ जाते जाते पेश है आज का सुविचार। जिंदगी में सफलता अक्सर छोटे फैसलों से ही मिलती है।